मंत्री जी और डीजी सर, आज की बड़ी खबर अनुसार शिक्षक भर्ती के बारे में बताएंगे। नियुक्ति पत्र जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार बहुत दिनों से मुद्दा फंसा हुआ है। मेरा नाम सर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गुड ऑनलाइन में। काफी दिनों से कोई अपडेट नहीं आ रही थी, बट अब कोशिश की जाएगी कंटिन्यू अपडेट आप लोगों को मिल पाए। तो अनुप्रिया पटेल जी की मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है और 6800 नियुक्ति को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन यहाँ से ये निकल कर आ रहा है कि कोई भी अगर बीच का रास्ता निकलता है तो सभी लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाएगी। लेकिन कोर्ट में मैटर फंसा होने की वजह से कुछ देरी हो रही है, और वहीं पर अगर आंसर के मुद्दे की बात करें तो उस पर भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार का मानना है कि एक साथ सारे मुद्दे समाप्त कर दिए जाए। तो पूर्व आश्वासन दिया अनुप्रिया पटेल जी ने कि जल्द से जल्द ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा, और क्योंकि शिक्षक भर्ती का जो मैटर है भूख हड़ताल का 10वां दिन हो गया, लगातार कुछ अभ्यर्थी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, और जो आंदोलन का है 569वां दिन है, जबकि नियुक्ति शिक्षक भर्ती भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है इसको। और अनुप्रिया पटेल जी ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पिछड़े दलित 6800 के अभ्यर्थियों की बड़ी उम्मीद है कि यहाँ से वो स्कूल जरूर जा पाएंगे। और उसी अपडेट के साथ में SCERT निदेशक सर से भी मुलाकात की गई है। अमरेंद्र सिंह बाहुबली की तरफ से भी लगातार वो मुद्दे को बनाए रखे हैं और जल्द से जल्द निस्तारण कर उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने की बात कही है, और चाहे जो कोर्ट में याची है या फिर 6800 की लिस्ट है, दोनों एक साथ दोनों मुद्दों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। जो भी अपडेट विशेष निकल कर आएगी या कोई सटीक जानकारी निकल कर आती है स्पष्ट रूप से, तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।